ये देखिए दोस्तों, हम दोनों के हाथ में इतनी सारी राखियाँ हो गई मेरी और दीदी की। और राखी पर क्या करें, इस बार मैं जा नहीं पाई राखी में। पर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस बार मैं तो नहीं जा पाई राखी में अपने घर पर, बाकी दीदी लोग आ गए हैं इनको राखी पहनाने के लिए। तो अभी अभी पहुँचे हैं और अब नाश्ता पानी बन रहा है हमारा। काम आज हमने जल्दी निपटा लिया था, 9 बजे तक सारा काम हो गया और अब जाके नाश्ता बन रहा है। और बाकी मैं जाऊँगी, थोड़ा मुझे बाहर काम है तो अभी नाश्ता वास्ता करके मैं जाऊँगी बाहर। उसके बाद राखी तो इस बार 2 बजे से है, तो इस बार भद्रा लगी हुई है सुबह 5 बजे से और 2 बजे तक, मतलब 1:30 बजे तक। उसके बाद ही पहनानी है राखी, तो तब तक मैं घर भी आ ही जाऊँगी। और बाकी अभी मैं आई हूँ छत में, दीदी ने कड़ी पत्ते मंगाए थे तो कड़ी पत्ते लेने आई हूँ। साथ में ब्लॉग की स्टार्टिंग करने भी आई हूँ, नीचे नहीं कर पाती मैं अभी, तो इसीलिए ऊपर आ गई। तो चलिए जी दोस्तों, आगे बने रहना, आप जो जो होता रहेगा आपको भी दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों, कल रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, वो मैंने इंस्टाग्राम में मिनी ब्लॉग में दिखाई थी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और बताना कैसे लगी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लगाई मैंने रात को, और ये बैक साइड में, बैक साइड की सही से रची नहीं है पर फ्रंट की देखिए। दोस्तों, अभी मैंने कड़ी पत्ते भी तोड़ लिए हैं और अब मैं चलती हूँ नीचे। दीदी बोल रही होगी कहाँ रह गई है। चलिए जी, तो मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। बाकी इधर देखिए बच्चे लोग आराम फरमा रहे हैं। हेलो हेलो तनु, चलो मैं चलती हूँ, आती हूँ अभी 1 घंटे बाद। तो दोस्तों, अभी मैं घर से तो निकल गई हूँ और आज भीड़ भाड़ आपको बहुत कम दिखाई दे रही होगी। बस में देखते हैं भीड़ भाड़ होती है कि नहीं होती, बाहर अभी चलते हैं ना। तो दोस्तों, अभी मैं घर पे भी आ गई हूँ और अब करते हैं थोड़ा नाश्ता पानी। बाकी आज नाश्ते में बना हमारा पूरी पकोड़े जो कि दीदी ने बनाए हैं, और अभी चलती हूँ मैं उधर। तो दोस्तों, अभी नाश्ता पानी भी हो गया है और टाइम 12 बज गए हैं और अब फिर से खाना बनाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि अभी 1:30 बजे से है रक्षाबंधन, तब तक खा पी के किनारे हो जाएंगे। तो अभी दीदी बना रही है खाना। तो आज खाने में क्या बना हमारा दीदी, पहले मैं दीदी से मिलवाती हूँ आपको और फिर। तो दोस्तों, मिलिए दीदी से। हेलो दीदी, कैसे हो? मेहंदी दिखाओ अपनी, मेहंदी दिखाओ। और इधर बन रही है, क्या बना रहे हो आज खाने में? खाने में क्या बना रहे हो? इतना बढ़िया गाना मत गाओ। खाने में हम बना रहे हैं, और पनीर दाल चावल बन रहे हैं। और अभी तभी थोड़ी देर में आपको दीदी लोगों से भी मिलवाऊंगी, जब राखी बांधेंगे तभी मिलवाऊंगी। अब सीधे दीदी अभी जरूर ये सारे दर्शक गण यहाँ पे दीदी और राखी बना रही है। दीदी नमस्ते। नमस्ते बस। वाह आंटी जी, साथी घर से आई। अब ब्याह ना चुके हो? तो दोस्तों, अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं और अब जाके दीदी लोग तैयार होने लग गए हैं राखी पहनाने के लिए। बाकी पोर से दीदी लोग आए थे, वो तो पहना के चले गए हैं राखी। और ये देखिए मेरे बिस्तर का हाल क्या कर दिया है बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मामी अभी चादर मत बिछाओ, और मैंने चादर बिछा रखी थी, बहुत बुरे हाल कर दिए उन्होंने। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर, दीदी भी तैयार होने लग गई है तो मैं भी चलती हूँ ऊपर।
हम तो कुछ तैयार नहीं हुए आज। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पे दीदी लोग भी तैयार होने लग गए हैं राखी पहनाने के लिए और कस्सू हो चुकी है तैयार। हेलो कस्सू, सूट तो दिखा अपना, कितनी प्यारी लग रही है, जरा खड़ी तो खड़ा हूँ ना बाहर। तो दोस्तों अभी मैं भी गांव में होती तो मैंने भी राखी के लिए तैयार हो जाना है, पर इस बार मैं दीदी लोगों को ही देख लूँ तैयार होते हुए। अरे जेठी हट तो जाओ। ये जी दोस्तों अभी राखी का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है और अब दीदी लोग जा रहे पूर्व मौसी के घर में। और तन्नु को देखिए, चांदी की अंगूठी मिली है, वाह। ये देखिए तन्नु की चांदी की अंगूठी आई है ऋषिकेश से, प्रियांशु ने गिफ्ट की है। ऐसा भाई किसका हो रहा है देखो। ये देखिए दोस्तों हम दोनों के हाथ में इतनी सारी राखियाँ हो गई है, मेरी और दीदी की। और अब जाएगी दीदी अपने मायके राखी पहनाने के लिए भैया को। तो अभी हम सब के सब जा रहे हैं मौसी जी के घर में, दीदी लोग राखी पहनाने जा रहे हैं, तो मैं और पतिदेव जी भी आ गए उनके साथ। और जल्दी जाना है, फिर दीदी भी मायके जाएगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं। नमस्ते बाबू, अभी तो नमस्ते बाबा। हेलो, ये देखिए ये भी मायके के लिए तैयार हो रहे हैं। और इधर बहस चल रही है अभी मौसी। नमस्ते, आप देख सकते हैं चाची को प्यास लगी है। बस स्कूल की वजह से मम्मी मुझे मना कर रही है। अरे बैठा इधर जो घूम जाओ, बैठा के चला। और बेटी तुम अंश जो पूना वर दगड़ी आया था वेदी मैं दीदी आयोगी। हां अलग है मत देखो, जब तुम रहना चाहो तो तुम जा रहे नहीं हो। हां हां ये बता, चलो तो दोस्तों अभी टाइम 4:30 हो रहा है और अब जाके हमने खाना भी खा लिया है। और बाकी अभी छोटी वाली दीदी निकल गई है घर के लिए और बाकी बड़ी दीदी अभी शाम को जाएगी। चलिए बालकनी से हम नीचे का नज़ारा देख रहे हैं, भैया जा रहे दीदी को छोड़ने। कहाँ बैठन से उनमे समझ ऑटो में बिठाने जा रहे भैया उनको। तो दोस्तों अभी टाइम शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी अभी बड़ी वाली दीदी गई है, भैया गए हैं उन्हें छोड़ने के लिए। और बाकी छोटी वाली दीदी तो दिन में ही चली गई थी क्योंकि उन्होंने फिर अपने ससुराल में भी मनानी थी राखी, तो इसलिए दीदी जल्दी चली गई थी। और बाकी ना दोस्तों याद तो मुझे भी आ रही थी अपने घर की, पर क्या करें इस बार मैं जा नहीं पाई राखी में। पर कोई नहीं, मेरा भाई मेरी बहन के यहाँ पर गया है तो उसने वहीं पर राखी पहन ली होगी। और बाकी ना आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।